अस्सलाम वालेकुम, मैं शाइस्ता अहमद, आपकी उर्दू टीचर। आज हम सफ़ा नंबर 123 कारवाने उर्दू, सफ़ा नंबर 123 उनवान मकाम कबूलियत, आज हम ये चैप्टर पढ़ेंगे मकाम कबूलियत। आइए स्टार्ट करते हैं। 2004 का अगस्त था, मैं अपनी वालदा के साथ उम्रे के लिए जा रहा था। हरिमैन शरीफेन की ज्यारत का ये मेरी ज़िंदगी में पहला मौका था। हमारी फ़्लाइट की रवानगी इस्लामाबाद से सुबह सवेरे थी और जहाज़ में सवार होते वक्त मौसलाधार बारिश हो रही थी। गल्फ एयर का ये जहाज़ पहले हमें अबूजाबी ले जा रहा था, जहाँ 4 घंटे का टर्नट के बाद जद्दा की फ़्लाइट थी। अबूजाबी एयरपोर्ट पर 4 घंटे गुजरने के दौरान हमने एहराम बांध लिया। अगली फ़्लाइट हमें अबूजाबी से लेकर चली और अरब के सहराओं को अबूर करके इसने शाम 4 बजे जद्दा पहुंचा दिया। जद्दा में हमारे एक रिश्ते के मामू अजीम रहते थे, अजीम साहब रहते थे। उम्रे पर रवाना होने से पहले मैंने यहाँ सऊदी अरब में मुकीम और दोस्तों को इतला दे दी थी। अजीम साहब को भी एक फ़ोन कर दिया था। अब यहाँ इनकी करम नवाजी थी कि जब हम जद्दा एयरपोर्ट से बाहर आए तो वो अपने बेटे और अहलिया के साथ हमारे मुंतजर खड़े थे। जैसे ही उन्होंने हमें आता देखा तो कई साल के वक्फे के बावजूद अम्मी को फौरन पहचान लिया और वाहलाना तौर पर हमारी तरफ लपक आए। आजमीन में उम्रे के लिए सऊदी ही कानून ये है कि जब हम जिस एजेंट के ज़रिए आए हैं एयरपोर्ट से सिर्फ वही हमको रिसीव करने का मजाज होता है। अब अजीम साहब का इसरार ये कि पहले हमें जद्दा में अपने घर ले जाएंगे, जबकि एजेंट के नुमाइंदे की ये जिद कि वो हमें इनके साथ जाने की इजाज़त उस वक्त तक नहीं देगा जब तक हेड ऑफिस से बात ना हो जाए। बिल आखिर तय ये पाया कि हम पहले एजेंट हेड ऑफिस जाएंगे, वहाँ बात करके देखा जाएगा, अगर इजाज़त मिल गई तो हम जद्दा में इनके घर एक रात रुक कर अगले दिन सुबह को उम्रे के लिए मक्का मुकर्रमा रवाना हो जाएंगे। अब सूरत हाल ये थी कि हम एहराम की हालत में थे। मेरी और अम्मी की ख्वाहिश तो यही थी कि हम बग़ैर तकुफ़ के फ़ौरन मक्के मुकर्रमा रवाना हो जाएं, उम्रा अदा करें और इसके साथ बाद जद्दा वापस आकर अजीम साहब के यहाँ एक रात कयाम करें। लेकिन हमारे मामू अजीम सिंह की कट मेहमान नवाजी के पासदार, इनके सामने हमारी एक ना चली। आगे आगे हम एजेंट की गाड़ी में हेड ऑफिस की तरफ चल दी और पीछे पीछे मामू अजीम का बेटा अब्दुलरहमान हमारे ताकुब में तेज़ रफ्तारी से गाड़ी चलाता हुआ पीछे लगा रहा। एजेंट ऑफिस जद्दा एयरपोर्ट और शहर के दरमियान किसी जगह था। ऑफिस पहुंचकर थोड़ी बहस और गर्मा गर्मी हुई, फिर मामू ने अपने अकामे की फ़ोटो कापी इनके पास जमा करवाई और बिल आखिर हम जद्दा में इनके घर जा रहे और जद्दा के इलाके हिंदविया में रहे थे। रात को हमारे एजाज में एक ज़बरदस्त ज़ियाफ़त का अहतमाम किया गया जिसमें इनके सारे बेटे बेटियाँ और बहुएँ वगैरह शरीक हुए। मैं बदस्तूर एहराम पहने हुए था और खाना पीना सोना वगैरह सब इसी हालत में जारी था। सुबह एक और परेशानी भी हमारी मुंतजर थी। मक्के में हमें अपने उम्रा वो पैकेज के तहत जिस होटल में कयाम करना था इसका हमें सिर्फ नाम ही मालूम था, कसरे बिलाल। अगर हम एजेंट के साथ जद्दा से मक्का जाते तो इसकी गाड़ी हमें सीधी होटल पहुंचा देती, लेकिन अब बग़ैर एड्रेस के सिर्फ नाम बताकर होटल तलाश करना मक्के जैसे शहर में बेहद मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ तो गली गली ला मुबालगा हज़ारों होटल हैं। खैर, अल्लाह का नाम लेकर सुबह सादिक में अम्मी जद्दा से एक टैक्सी में और अम्मी जद्दा से एक टैक्सी में बैठकर मक्के मुकर्रमा रवाना हुए। जद्दा के हदूद से निकलते ही अरब के सहराई ज़मीन शुरू हुई। सड़क के दोनों तरफ दूर दूर तक आप वो है 11 नशे व फराज थे। कहीं कहीं इक्का दुक्का इमारतें या पेट्रोल पंप नज़र आ जाते थे, वरना चारों सू वीरान ही था। तकरीबन 1.5 घंटे तक 120 किलोमीटर की रफ्तार 1 किलोमीटर रफ्तार से चलने के बाद मक्का मुकर्रमा के मुजाफा शुरू हो गए। एक चौरंगी से घूमकर जिस पर आबे जमजम की बड़ी बड़ी सराहियात बनी हुई थी, हम तरीके इब्राहिम खलील रोड पर आ गए। चंद मिनट और चले होंगे कि एक पुल आया,
पुल के बाद जैसे ही टैक्सी उतरने को आई, मेरा दिल उछल कर आंखों में धड़कने लगा। सामने बैतुल्ला के मीनार नजर आ रहे थे। मेरा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक का विड तेज हो गया। मैंने अम्मी को भी इशारा करके मीनार दिखाए तो वो एकदम चौंक पड़ी और इनके आंसू बहना शुरू हो गए। टैक्सी बाबे फहाद के करीब आकर रुक गई। हम टैक्सी से उतरे और लड़स्ते कदमों से बैतुल्ला की तरफ चल दिए। अगले चंद घंटे किसी अंदाज में गुजरे बयान नहीं किया जा सकता। खाने काबा पर पहली नजर पड़ी। काबे तवाफ के साथ चक्कर मुकम्मल हुए। इतनी देर में सही हुई। अम्मी ने दिल की मरीजा होने के बावजूद ये सारे मनासिक अपने पैरों के पर चल कर कैसे अदा किए कुछ याद नहीं। अलबत्ता जैसे ही मनासिक की उम्रा मुकम्मल हुए तो खाने काबा के सामने खड़े होकर ये तसव्वुर जहन में रखते हुए यहाँ हर दुआ कबूल होती है, दीगर दुआओं के साथ ये दुआ भी कर डाली, या अल्लाह हमें अपने होटल कैसरे बिलाल भी आसानी से तलाश करवा दे, वरना हमें अच्छे खासे इजाफी रियाल खर्च करके कोई दूसरा होटल लेना पड़ेगा। एहराम से बाहर निकलकर मैंने सर के बाल साफ कराए और नहाने के लिए एहराम के गुस्लखानों का रुख किया। अम्मी को बाहर एक मखसूस जगह पर इंतज़ार करने को कहा। थोड़ी देर बाद एहराम उतार कर सफ़ेद शलवार कमीज पहन कर बाहर आ गया। अब दोपहर ढल चुकी थी और शदीद भूख लग रही थी। हम सही वाले दरवाजे के सामने से बाहर की तरफ चल दिए। जैसे ही हम हरम से बाहर निकले तो अचानक सामने एक लंबे कद का वजीह जवान सफ़ेद अरबी लिबास जैफ्तन किए हाथ में ताज़ा खजूरों का गोशा लटकाए सामने आ गया। जैसे ही इसने हम दोनों माँ बेटे को देखा तो सीधे हमारी तरफ आए और हाथ में पकड़े हुए गोशे में से दो खजूरें तोड़कर हमें थमाई और मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। अम्मी और मैंने हैरत से एक दूसरे को देखा और फिर इन खजूरों का अल्लाह का नाम समझकर खुशी खुशी मुंह में रख लिया। जैसे ही हम हरम के बाहर वाली सड़क पर आए तो सामने एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मोहतम बिलाल का बोर्ड नजर आया। मैं लफ्ज़ मोहतम बिलाल पर चौंका। इस रेस्टोरेंट का नाम मोहतम बिलाल था और हमारे होटल का नाम कसरे बिलाल। ज़रूर इनको हमारे होटल के बारे में पता होगा, मैंने दिल में सोचा। और अम्मी को इस रेस्टोरेंट में दाखिल मैं और अम्मी इस रेस्टोरेंट में दाखिल हो गए। फैमिली रूम ऊपर था। अम्मी और मैं सीढ़ियाँ चढ़कर इस में दाखिल हुए तो हाल खाली था। हम एक तरफ मुनासिब सी जगह बैठ गए। अभी हम बैठ कर कुछ ही देर हुई थी कि एक अरब फैमिली अंदर दाखिल हुई। मियाँ बीवी और तीन बच्चे वो भी एक तरफ बैठ गए और बातें करते हुए बार बार हमें तिरछी नज़रों से देखने लगे। जैसे ही वेटर आया तो पहले हमारी तरफ आने के बजाय इनसे ऑर्डर लेने चला गया। मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि हम पहले बैठे थे, पहले हमसे पूछना चाहिए था। खैर वेटर ने इनसे ऑर्डर लिया और हमसे कुछ पूछे बगैर हाल से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद वो वापस आया और इसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें ठंडे मशरूब से भरे हुए दो गिलास रखे थे और ये दोनों गिलास लेकर सीधा हमारी तरफ आया और ट्रे हमारे सामने रख कर कहने लगा, जी सर क्या खाएंगे? हम तो ये जो खाएंगे पहले ये बताओ कि ये कोल्ड ड्रिंक किस खुशी में? हमने इसको ऑर्डर नहीं दिया, मैं बोला तो वो मुस्कुराने लगा। सर ये इन लोगों ने आपके लिए भेजा है, वो इस अरब फैमिली की तरफ इशारा करके बोला। मैंने चौंक कर इधर उधर देखा तो पूरी फैमिली हमें देखने लगी। मेरी आंखें इनकी सरबरा से मिली तो मुस्कुराने लगे। मैंने शुक्रिया का हाथ हिलाया तो इन सब के चेहरे पर मुसरत हो गई। हम पाकिस्तान में ये किस्से सुनकर आए थे कि अरब लोग हजाज और आज़मीन उमरा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते, लेकिन अब तक तो मामला बिल्कुल बरक्स साबित हुआ। खाने से फारिग होकर बिल अदा करते हुए मैंने काउंटर से खंदक कसरे बिलाल का पूछा। उसने हमें इशारे से एड्रेस समझा दिया। हम बआसानी अपने कमरे में होटल बआसानी पहुंच गए। थोड़ी देर बाद हम जब अपने एयर कंडीशन कमरे में आराम से बिस्तरों पर दराज थे तो मुझे खाने काबा के सामने खड़े होकर होटल आसानी से मिल जाने की दुआ की थी। वो दुआ क्या खूब कबूल हुई। आज का होमवर्क ये है कि आपको उम्रे की फजीलत पर नोट लिखना है। कम से कम 10 फजीलत आपको बयान करनी है और ये 10 नंबर का सवाल है और इस सवाल के नंबर्स जो है वो आपके रिज़ल्ट में काउंट होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।